व्हाट्स अप गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। छोटा व्लॉग होगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौल्यवान है हमारे G2 मॉडिफिकेशन के लिए। आज हम बिठाने जा रहे हैं ये हेडलाइट स्विच। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, काफ़ी सारे पुराने बाइक्स में ये हेडलाइट स्विच बैठता है जहाँ इग्निशन स्विच होता है। सो, ये हेडलाइट स्विच ओरिजिनल मिंडा का है। यहाँ इग्निशन स्विच आता है, इसके जगह पर ये इधर बैठेगा। तो फिर इसका क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक इधर या फिर इधर या फिर टूल बॉक्स के अंदर, वो करेंगे बाद में जुगाड़। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे और ये इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसके बिना फ्रंट का लुक तो बेकार है। तो अभी एक्सीलेटर में काफ़ी प्ले है, तो हमारे विजय भाई प्ले निकाल रहे हैं। विजय भाई द फैंटास्टिक मैन, द मॉडिफिकेशन मैन। तो चलो अभी खोलते हैं इसको और इसको इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फाइनल लुक और इसका हमने क्या किया ये भी आपको बताएंगे। विजय भाई इज डूइंग वायरिंग वर्क, क्योंकि वायरिंग पे पूरा डामाडोल है इस स्विच का। लगा लाइट तो पूरा वायरिंग इधर सेट करेंगे और उसके बाद हमारे बाइक में इंस्टॉल करेंगे। ये जो हिस्सा है, जब हम इग्निशन स्विच निकालते हैं यहाँ से, तो नीचे से ठोक के उसको ऊपर निकालना है, तो ये ऐसा निकल जाएगा। और अभी ये स्विच का सारा वायरिंग विजय भाई ने कर दिया है और भी सब सेटिंग करना है, तो ये स्विच अभी इधर हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, रबर ये अच्छा है, रॉयल इनफील्ड वालों ने जो होल वगैरह दिया है वो सेम ही दिया है जो 1970-60 की गाड़ी में आता है, सेम होल आज भी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब ऐसे अगर कोई पुराने मॉडिफिकेशंस, पुराने स्विच अगर डालने पड़े तो देर इज़ नो हसल इन दैट। ये बढ़िया है गुरु, बढ़िया विंटेज हेडलाइट स्विच भाई साहब। Guys, done with the modification और ये सुपर काम हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी रही चाबी के बाद, तो चाबी हमने एडजस्ट की है इधर। ये टेम्प्रेरी काम है, चाबी को किधर ना किधर तो टैग करना था, तो हमने फिलहाल इधर कर दिया, बाद में उसको टूल बॉक्स पे करेंगे जैसे पुराने बाइक्स पे होता है। तो ये चाबी इधर प्रॉपरली सेट हो गई, अभी चालू करते हैं इसको। और हेडलाइट ऑन, ये देखो ये लो पे, ये हाई पे, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। विजय सेठ, आपने फिर एक बार चमत्कार कर दिया, थैंक यू सो मच, बढ़िया मॉडिफिकेशन हुआ है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस, ये है करंट स्टेटस ऑफ आवर बाइक। बाकी स्विच का काम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया और फ्रंट से लुक काफ़ी ओल्ड आ रहा है। अभी बचा सिर्फ ये मीटर का काम, ये भी होगा आगे, वो थोड़ा टाइम है उसको। और स्विच, यू नो स्विच हमने इधर बिठाया है पर वो भी टूल बॉक्स पे आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके सब काम होगा गाइस। बेहतरीन, क्या लुक आ रहा है, जबरदस्त।
बाकी रहा कि फेंडर पे हमने अभी तक पेंटिंग का काम शुरू नहीं किया, इसका आंसर मैं अगले व्लॉग में दूंगा। तो देखते रहिए अगले व्लॉग में क्या क्या मॉडिफिकेशंस और आने वाले हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि आगे होगा क्या। तो आज का व्लॉग इतना ही था, काफ़ी छोटा व्लॉग था बट इम्पॉर्टेंट व्लॉग था। मैंने जैसे शुरुआत में बताया विंटेज हेडलाइट स्विच का मॉड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much guys for watching this video. Stay tuned with the next vlog. ठीक ठाक अंधेरा हो गया है, लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। बढ़िया।